मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता बगलामुखी की विशेष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ये शिविर 40 वर्षों में 10वीं बार होने जा रहा है। ये महाविद्या होने की वजह से इनकी शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ये चारों दिशाओं से व्यक्ति की सुरक्षा करती हैं। इनकी वजह से परिवार का एक एक सदस्य सुरक्षित माना जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य के सभी पाप बुरे कर्म नष्ट होकर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। माता की कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, छिपे शत्रु से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी में लाभ मिलता है, हर तरह का विवादों में लाभ मिलता है, शत्रु पर तेजी से विजय प्राप्त होता है, नौकरी व्यापार सुरक्षित हो जाती है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा रोग जलन विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। माता की कृपा से धन की हर तरह की रुकावट दूर हो जाती है, साथ ही हर तरह के विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्व कार्य सिद्धि बीसा यंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्व कार्य सिद्धि बीसा यंत्र कैसे बनाएं। बीसा यंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है घरेलू कामों में सफलता पाने के लिए, आध्यात्मिक कामों में सफलता पाने के लिए, कार्य सिद्धि में सफलता पाने के लिए। ये जो बीसा यंत्र है, ये कार्य सिद्धि बीसा यंत्र है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। कार्य सिद्धि मतलब कोई भी कार्य, जिसको हम कहते हैं कर्म, कर्म की सिद्धि। हम कलयुग में हैं, सांसारिक जीवन को चलाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत करते हैं, जो क्रिया होती है, उसे कर्म कहा जाता है। आप भाग दौड़ करते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से वहां जाते हैं, भाग दौड़ करके आप कुछ अर्न करते हैं, कुछ कमाते हैं, घर परिवार उससे खुशहाल होता है, तो कर्म होता है। तो कर्म की सिद्धि बहुत बड़ी बात है। तो आज हम ऐसे यंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका बीसा नाम है, मतलब उसको कहते हैं कि किसी भी तरह की कार्य हो उसको सिद्ध करने का बीसा यंत्र। तो आज हम जानेंगे कार्य सिद्धि बीसा यंत्र कैसे बनाते हैं। ये बहुत कामों में इस्तेमाल होता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए चाहिए। अब कार्य का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ये बनना है, वो बनना है, उस मुकाम तक पहुंचना है, तो भी एक कार्य सिद्धि बीसा यंत्र की जरूरत पड़ जाती है। आप मनपसंद पार्टनर की तलाश में हैं तो कार्य सिद्धि यंत्र की जरूरत पड़ जाती है। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो कार्य सिद्धि बीसा यंत्र की जरूरत आपको हो जाती है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कार्य सिद्धि बीसा यंत्र अगर आप स्वयं बनाते हैं तो उसका असर 10 गुना ज्यादा होता है आम यंत्र की तुलना में। स्वयं बनाते हैं क्योंकि आप अपने हाथ से उस यंत्र को बनाते हैं, तो उसका लाभ कई कई गुना ज्यादा आपको मिलता है इस तरीके से। तो आज जानेंगे कि इनमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो भोजपत्र की जरूरत होती है। भोजपत्र की बात करें तो ये देख लीजिए, ये भोजपत्र है, ये जो कागज है, ये छोटे बड़े आकार में काट कर इस पर यंत्र बनाए जाते हैं। किसी कारण से ये नहीं है तो सामान्य कागज भी ले सकते हैं आप, कोई भी सामान्य कागज आप ले सकते हैं। इसके अलावा कनेल की कलम चाहिए, कनेल की कलम चाहिए। ये अगर नहीं है किसी कारण से तो अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो माचिस की जो तीली होती है, उसमें जो लकड़ी का भाग होता है, उससे भी आप यंत्र बना सकते हैं। इसके अलावा अष्टगंध की जरूरत होती है, और या फिर हल्दी।
आपके पास अष्टगंध नहीं है, मार्केट में 10-20 रुपए का आ जाता है, अष्टगंध अगर नहीं है, पाउडर नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, हल्दी जो पाउडर है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो किसी कटोरी में थोड़ा सा अष्टगंध डाल दें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दें या पानी डाल दें और उसको हिला लें तो स्याही बन जाएगी। अष्टगंध नहीं है तो हल्दी थोड़ा पानी में डाल दें और उसको हिला लें तो स्याही बन जाएगी। उसके बाद कलम से आपको बनाना है यंत्र, बनाना यंत्र कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि सामान्य लकड़ी से आप यंत्र बना सकते हैं। ये अलग बात है, कनेल की कलम से बनाएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है, भोजपत्र पर बनाएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन अगर नहीं है तो कागज में बनाया जा सकता है। तो ये एक नियम हो गया। इसके बाद आता है यंत्र बनाने की क्रिया, यंत्र कैसे बनाते हैं। अभी मैं मुझे चूंकि आपको बताना है तो मैं आपको ये ब्लैक पेन से आपको बताने जा रहा हूँ कि यंत्र बनाते कैसे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप भोजपत्र ले सकते हैं, इस तरीके का भोजपत्र ले सकते हैं, इस भोजपत्र पर आप यंत्र बना सकते हैं। भोजपत्र नहीं है तो सामान्य कागज पर ले सकते हैं, सामान्य कागज पर आपको यंत्र बनाना है। तो यंत्र कैसे बनाएंगे इस बारे में अब चर्चा करेंगे, आपको बताते हैं कि यंत्र कैसे बनाया जाता है, ये देखते हैं। ठीक, ये जो यंत्र है सर्व कार्य सिद्धि दाता बीसा यंत्र कहा जाता है। तो पहले ये देख लीजिए कि मैं यंत्र कैसे बना रहा हूं, एक बार देख लीजिए। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखिए एक लाइन आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। ये अब इनमें कुछ यंत्र की रचना आपको करनी है। ठीक है, तो वो आप देख लें कि किस तरीके से करना है। तो हमने बनाया 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, यानी ये 8 2 10, 6 4 10, यानी ये 20। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, यानी ये हुआ 7 3 10, 9 1 10, यानी ये इसको बीसा यंत्र कहते हैं। कहीं से भी जोड़ेंगे ऐसे या कैसे जोड़ेंगे तो ये 20 नंबर आता है, तो ये 20 नंबर आता है। ठीक है, ये एक हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं कि करना क्या होता है, कि ये यंत्र आपने बना लिया भोजपत्र पर या एक सामान्य कागज पर आपने बना लिया, बनाने के बाद क्या होता है। जैसे मैंने कहा अष्टगंध, मैं तो एक काले पेन से आपको बना के दे रहा हूं, आपको अष्टगंध या हल्दी की स्याही से आपको बनाना है। और ये बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप जब ये मंत्र बनाएंगे, ये यंत्र बनाएंगे, तो आपको कोई खास मंत्र का जाप करते रहना होगा। ठीक है, और वो मंत्र है ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम, यानी ये बीज मंत्र है, ये ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र आपको जपते रहना, यानी ह्रीम श्रीम बीज मंत्र जपेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको यंत्र बताया है, लेकिन शुरुआत हमेशा याद रखिए छोटे अंक से शुरुआत की जाती है। छोटा अंक मतलब पहले 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर नहीं है तो 6 नंबर हो गया। ठीक है, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। इस तरीके से शुरुआत आप कम अंक वाले से शुरू करेंगे। ये मैंने आपको दिखाना था वो ऐसे दिखा दिया, लेकिन आप
बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब यंत्र आपकी रचना होगी तो उस समय घी का दीपक जला कर रखें, घी का दीपक जलाएं या फिर मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती अगर आप जलाते हैं तो कम से कम 5 मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए, 5 मोमबत्ती की छांव में आपको बनाना है, 5 मोमबत्ती के उजाले में आपको बनाना है, और या फिर 5 घी का दीपक जलाएं, चारों तरफ घी का दीपक जलाएं, उनके उजाले में बनाना है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट बल्ब ट्यूबलाइट जो है वो बंद कर देना है कमरे में। और ये जब भी बनाएं, घर का दरवाजा कमरे पर्दे सब लगा लेते हैं, और सूर्यास्त के बाद बनाएं और स्विच ऑफ कर दें, यानी ट्यूबलाइट बल्ब बंद करके आप रोशनी में, घी के दीपक की रोशनी में बनाएं या मोमबत्ती के दीपक की रोशनी में इसे बनाएं, ये पॉइंट याद रखें इस तरीके से। और जब आप यंत्र बना रहे हैं उस समय, जब तक यंत्र आपका बनता नहीं है तब तक उठे नहीं, कोई भी कारण हो, कोई भी फोन आ जाए, कोई भी दरवाजे की घंटी बजे, कोई भी व्यक्ति आपको आवाज दे, आपको उठना नहीं है जब तक कि आपकी यंत्र की रचना नहीं हो जाती। तो मैंने कहा यंत्र अब बनाएंगे, यंत्र बनाते बता ब, यंत्र बनाते बनाते ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ये बीज मंत्र का जाप करते रहना है और यंत्र बनाते रहना है। यंत्र जब बन जाता है तो इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी छिनक देते हैं, ऐसे हल्दी छिनक कर नॉर्मली हाथ जोड़ लेते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या होता है, ये जो लोबान का धूप होता है, लोबान से धूप दिखाते हैं इस तरीके से, लोबान से धूप दिखाते हैं और आपका काम हो गया, ये पॉइंट याद रखें। बस जैसे मैंने कहा कि लोबान से आपको ऐसे धूप दिखाना है इस तरीके से, तो आपका काम हो गया। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद इसको आप लैमिनेट करा लीजिए, इसको लैमिनेट करा लीजिए। लैमिनेट कराने के बाद फिर आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में, अपने अलमारी में, अपने गले में, जहां रखना चाहें इसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को देना है तो यहां पर उसका नाम लिख लें, जैसे यहां पर मैंने लिखा अमुक, ये अमुक, अमुक का मतलब है इस जगह पर सामने वाले का नाम लिखें। किसी व्यक्ति को आप देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो अमुक लिखें और उसके बाद ये उनको दे दें। लेकिन इनको ऐसे यंत्र नहीं दिया जाता, जब ये यंत्र आप देंगे तो साथ में थोड़े से चावल सुपारी और यंत्र, यानी एक कागज में यंत्र होगा और थोड़े एक सुपारी होगा और कुछ दाने चावल के होंगे, तो ये लपेट के फिर सामने वाले को दीजिए। और सामने वाले की ड्यूटी ये हो जाएगी कि वो ये चीज लेकर सुपारी को घर के मंदिर में रख दें, चावल को अपने जो चावल के दाने होंगे वो अपने बगीचे में डाल दें या अपने राशन में उसमें डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें, यही काम आपको भी करना। अगर ये आप अपने लिए करते हैं तो यहाँ पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जो अमुक लिखा है यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने घर में रखें, मंदिर में रखें, जहां भी रखना चाहें वहां रखें, लेकिन उसके बाद किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें। तो ये पद्धति करें तो आपको बेनिफिट शुरू हो जाता है। याद रखें करने के बाद इसको लेमिनेट करा लें जिससे कि ये फटे नहीं। लोग ये जो यंत्र है अपने घर में रखते हैं, अपने दुकान में रखते हैं, अलग अलग जगह पे इसको रखते हैं। तो ये क्या है, कोई भी कार्य आपकी मनोकामना है तो मनोकामना की पूर्ति के लिए ये बहुत 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 काम आता है, तो ये चीज आपको करना चाहिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है ये यंत्र बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अब इसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उपयोग कौन कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, महिलाएं मेंसेस में इसका उपयोग न करें, यंत्र न बनाएं। इसके बाद कौन सा समय उपयुक्त है, तो सूर्यास्त के बाद का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। कौन सा दिन उपयुक्त है, तो इसको बुधवार या गुरुवार या सोमवार, ये उपयुक्त दिन माने जाते हैं।
यानी इन दिनों में सूर्यास्त के बाद आप करें। और भी अच्छा, अगर तिथि की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष सबसे शुभ है, नहीं तो कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, यानी कृष्ण पक्ष की शुक्रवार को, बुधवार को, सोमवार को आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कृष्ण पक्ष में करें या शुक्ल पक्ष में करें, लेकिन शुक्ल पक्ष ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये तो ये चीज करें। डायरेक्शन की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ आप मुख रखें, अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ, सामने पश्चिम होना चाहिए ऐसे, यानी आप पूरब दिशा में खड़े हैं, पश्चिम दिशा में आपका मुख है, ये आप ध्यान दें। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख रखें। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें, इसका बेनिफिट कई कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप अपने हाथों से इसको बनाते हैं तो वो वाइब्रेशन उसमें आते हैं, आपकी अपनी भावना जुड़ती है, तो आपको किसी को धन देकर बनवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए ये चीज बना सकते हैं, या आप अपने रिश्तेदार किसी के लिए एक अच्छी भावना से कुछ देना चाहते हैं तो उनको आप दे सकते हैं, उनके लिए ये काम आएगा। तो ये चीज करें, इसका फायदा उठाएं, आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी विवाह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।